नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आया है iPhone 6 Plus, जिसमें iPhone 6 Plus अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एरर कोड 9 की। ये नई बीमारी है जो सारे फ़ोनों को फटाफट से लगती जा रही है, कोरोना की तरह फैलती जा रही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो हम यही है कि इसको फ्लैश करके देखते हैं, अपग्रेड करके देखते हैं आईटून से या 3U टूल से। अगर अपग्रेड में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और कोई एरर आता है तो फिर उसका सॉल्यूशन जो है हार्डवेयर से ही होता है, ज़्यादातर तो नैंड से होता है, ईप्रोम। देखते हैं, पहले हम इसको फ्लैश करते हैं। 3U टूल्स में लगाया है मैंने, अपग्रेड हो रहा है। ये देखिए एरर कोड 9। कस्टमर ने भी बोला मुझे भी आईट्यून्स अपडेट करता तो एरर आ रहा है, और मैंने ट्राई किया तो भी इसमें भी एरर कोड 9 आ रहा है। एरर कोड 9 का सॉल्यूशन जो है वो सीपीयू से है। सीपीयू के अंदर से ड्रिल करके एक हमें जम्पर देना होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले हम स्टेंसिल को रिमूव करेंगे और सीपीयू के ऊपर से पतरा निकाल देंगे। पतरा निकालने के बाद ये सारा काम है ना माइक्रोस्कोप के बिना नहीं हो पाएगा। आपके पास अच्छा सा एक माइक्रोस्कोप चाहिए, अच्छा एक ड्रिल मशीन चाहिए आपको। इसमें आपको बहुत ही बारीकी से काम करना होगा। अगर आप बारीकी से काम, ध्यान से काम नहीं करेंगे, एक भी ट्रैक डैमेज हो गया तो हो सकता है फ़ोन आपका डेड हो जाए। वैसे ऊपर ऊपर तो इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डीप जब जाएंगे तो वहाँ बहुत स्लोली और ध्यान से काम करना होगा। ऊपर CPU का कोटेड है, उसके बाद नीचे रैम है, रैम का भी ग्राउंड सील है, उसको सबको घिस देंगे अच्छे से। तो नीचे जो ट्रैक निकलेंगे उन ट्रैक्स को भी घिसेंगे, जो बॉल दिख रही है आपको अभी CPU के अंदर, इस बॉल को भी घिसना है आपको। बॉल्स को भी साफ करेंगे तो उसके नीचे और लाइन्स आएगी, तब CPU की लाइन्स उसके और नीचे ग्राउंड के नीचे। आप वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप, आपको अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ आपको एक पतला सा माइक्रो जंपर लेना है, एकदम पतला वाला माइक्रो जंपर, और फिर एक बॉल से, बॉल को यहाँ पे सोल्डरिंग करके जंपर को सोल्डर से या आयरन से, या तो सोल्डर आयरन आपके पास एकदम पॉइंटेड है तो उससे, नहीं तो ब्लोवर से, ब्लोवर से भी आप जंपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हाथ साफ है अच्छे से तो ब्लोवर से भी लग जाएगा, क्योंकि आयरन से बहुत डिफिकल्ट होता है इसको माइक्रो जंपर लगाना, तो ब्लोवर से और आसानी से लग जाएगा। साफ कर दिया आपका एक जंपर, एक माइक्रो आयरन और यूवी लाइट, यूवी ग्लो। बॉल, ये पॉइंट इतना छोटा है इसको आँख से देखना इम्पॉसिबल है, मतलब देखे दिखेगा ही नहीं बिना माइक्रोस्कोप के। तो आप सोचिए जंपर कैसे लगेगा। जंपर्स की लाइन मैं आपको बता देता हूँ।
सीपीयू से कहाँ में कहाँ जाएगी। एक बोर्नियो टूल ओपन ओपन करते हैं। ये देखिए बोर्नियो टूल के अंदर एक लाइन जो है सीपीयू की है, एक जो है ईप्रोम के आईसी के अंदर आई हुई है, और आईसी से रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर से सीपीयू के अंदर। ये देखिए लाइंस दिख रही है आपको क्लियरली। ये इस रजिस्टर पे आपको जंपर मारना है सीपीयू से, सेंटर में जो है उस पे R316 से एक पॉइंट सीधा सीपीयू, जो हम सीपीयू ड्रिल कर रहे हैं वहाँ पे आपको जंपर करना है। ये हमारे टेक्नीशियन आपको करके दिखाएंगे। सेंटर वाले पॉइंट पे पूरा जंपर लगा देना है आपको सीपीयू से सेंटर वाले पॉइंट पे। ये देखिए जंपर लग चुका है। जंपर कंप्लीट होने के बाद फोन बोर्ड को आपको फोन के अंदर फिर से रिफिट कर देना है, और देखते हैं डेटा बचा के चालू होता है या नहीं होगा, तो फिर आपको फोन को जो है फ्लैश करना पड़ेगा। फोन तो कनेक्ट हो गया, एग्जिट रिकवरी मोड करते हैं। रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है, नॉर्मल मोड में नहीं जा रहा है, तो फिर से हमें फ्लैश करना पड़ेगा अगर रिस्टार्ट हो रहा है या लोगों पे बंद हो रहा है, तो क्योंकि 24% पे अटका है ना, तो इसके लिए फ्लैश करना जरूरी है। इसका पूरा क्रेडिट जयसर को जाता है, जिन्होंने बड़े बारीकी से और प्रॉपर ढंग से सीपीयू को ड्रिल किया है। ड्रिल करने के बाद उसको स्क्रैच किया है, स्क्रैच करने के बाद उसमें बड़े बारीकी से जम्पर किया है, और ताकि फोन जो प्रॉपर ऑन हो चुका है, इसका इसमें डेड होने का कोई रिस्क नहीं रहा। वैसे जय सर सीपीयू के काम में एक्सपर्ट है, सीपीयू रिकॉलिंग करना, प्रॉपर लगाना, ड्रिलिंग करना, इस सब में जय सर का हाथ काफी अच्छे से जमा हुआ है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहे, हम देखते हैं ये आईफोन का जो है एरर कोड 9, ये सक्सेसफुली सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अभी भी ये 24% पे अटका हुआ है। प्रॉब्लम भी कस्टमर का यही था, 24% से आगे नहीं जा रहा था, और अभी थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा गया है। बंदे का काम धीरे धीरे बोल रहे हैं। ओहो मजा आ गया, 30% का आ गया है फोन, 60। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है वैसे वैसे मन में खुशी भी बढ़ रही है, 94% पे आ गया है। फ्लैशिंग डन, देखते हैं अभी फोन ऑन होता है या नहीं होता है। फ्लैशिंग तो डन हो चुका है। वाह 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 वाह, फोन तो हो गया भाई चालू, अभी एक्टिवेशन पर अटका हुआ। चलो ये तो कोई नहीं, एप्पल आईडी वगैरह डाल के इनको इसको एक्टिवेट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।